अच्छा, स्टोर प्रोसीजर दोबारा देख लो सिर्फ आपकी खातिर, क्योंकि डीबी मेरे से पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं, जिसने नहीं पढ़ी ना उसको नहीं आते होंगे, उसके बगैर बच्चे काम नहीं होता इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे। तो स्टोर प्रोसीजर बनाना सीखो, हैं क्यों नहीं है लेकिन फंक्शन बन जाते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, आगे आपने देना है प्रोसीजर का नाम, क्या देना है ये जो मर्जी रखो, डजेंट मैटर, बल्कि इसका सिंटेक्स ही याद कर लो सारी मर्जी। क्रिएट प्रोसीजर एज बिगिन एंड, ये स्टोर प्रोसीजर आपका बन गया। अब एक तो ऑप्शन मैंने अभी क्या सिलेक्ट की थी, स्टोर प्रोसीजर पे आके कहा था ना स्टोर प्रोसीजर, तो ये विंडो ओपन हुई थी ऐसे ही था, मैंने ये विंडो कंट्रोल ले करके क्लियर कर ली, यहाँ आप स्टोर प्रोसीजर लिख लूँगा। आपको ये भी चीज़ समझ नहीं आती भाई स्टोर प्रोसीजर कहाँ बनाना है, आपने सिर्फ डेटाबेस के नाम पे आना है, राइट क्लिक करना है, कहना है जी न्यू, अब आप आके यहाँ पे क्यूरी के अंदर स्टोर प्रोसीजर लिखो बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मैंने कहा जी क्रिएट प्रोसीजर एज बिगिन एंड, आगे मैं स्टोर प्रोसीजर का क्या दूंगा नाम, मैंने कहा जी एस पी, ये एक स्टोर प्रोसीजर है, क्या करता है, डिपार्टमेंट बिगिन और एंड के दरमियान में आपको क्या चाहिए, ऊपर से तो नहीं जा रही चीज़ें, समझ आती है जो मैं पढ़ाता हूँ, देख लेना यार बिस ना करा देना लड़कियों को, आपको समझ आती है जो मैं कराता हूँ कि नहीं, झूठ नहीं बोलना भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे है, शक्ल से नहीं लगता समझ आती है। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, सुपीरियर में 3 साल अकेले हो गए, शक्ल देख के बता देता हूँ समझ आती कि नहीं आती, 3-4 के अलावा किसी को नहीं आती। अब इतनी बात ना करिए। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर मैं शुरू में आया तो बहुत सारे बच्चों ने आके कहना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर क्या बात है आपकी कमाल हो गई, तो मुझे एक टीचर यहाँ पे कहते हैं यार परेशान ना हो ना, ये सारों को ये कहते हैं, और मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि एक ही बच्चा आके दूसरे टीचर के पास सर आपने जो पढ़ाया ना पूरी डिग्री में आप ही का कोर्स है बस, बाकी सारे फारग हैं, वही अच्छा थोड़ी देर बाद उठ के मेरे पास आएगा वही सेम बातें मुझे कर रहा होगा। जी सबसे अच्छी क्लास हो, सही सही, चलो चलो कर लेंगे कोई बात। बिगिन और एंड के दरमियान में आपको क्या चाहिए, क्यूरी, हाँ हाँ, स्टोर प्रोसीजर किस फंक्शन किसके काम के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी क्यूरी चाहिए, अब इंसर्ट की क्यूरी लिखनी आती है, आती है क्या है क्यूरी, मुझे कौन बताएगा, चलो जो भी है इतनी जलील होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खुद ही बन जाएगी, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिज़ाइन क्यूरी इन एडिटर, ये विंडो ओपन हुई आपके पास, किस टेबल के लिए करना चाह रहे हैं काम, ऐड किया, क्लोज़ किया, यहाँ पे मैंने कहा जी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए ये नहीं इंसर्शन में देनी, राइट क्लिक किया, बल्कि सिलेक्ट कर लो, मैंने कौन से कॉलम सिलेक्ट कर लिए, डेप्ट आईडी, डेप्ट नेम और डिस्क्रिप्शन, 3 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए, मैंने कहा जी इन 3 कॉलम्स के ऊपर मैं किस तरह की क्यूरी लिखना चाह रहा हूँ, इंसर्ट वैल्यूज़, तो वो इतना समझदार है कि वो देखो उसने डेप्ट आईडी को सिलेक्ट ज़रूर किया लेकिन नीचे क्यूरी के अंदर क्यों दिया, उसने क्यूरी के अंदर नहीं आना, क्यूरी में हटा दो, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया मैं हमने इस पर, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तूने नहीं लगाया बेशर्म इंसान, अच्छा बहरहाल इस बच्चे ने काम टेबल ही नहीं ठीक बनाया, हमेशा जब भी टेबल बनाते थे तो प्राइमरी की को क्या रखते थे, इसके बगैर गुजारा नहीं है, बल्कि इसने किया भैया इज आइडेंटिटी यस है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, बहरहाल चलो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो इंसर्ट की क्यूरी है इसमें आईडी आपने खुद प्रोवाइड नहीं करनी, ये चीज़ याद रखनी, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, डिपार्टमेंट नेम डिस्क्रिप्शन चेंज टाइप इंसर्ट वैल्यूज़, इंसर्ट की क्यूरी उसने लिख दी आपको खुद से, ओके किया, ये देखो ये इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे खुद ऐड हो गई, ओके हो गया, अब आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे अब 2 पैरामीटर डिक्लेयर करने हैं, ऐट द रेट डेप्ट नेम, ये वेरिएबल का नाम है जो मर्जी रखो, साथ उसकी क्या देनी है डाटा टाइप कॉमा, ऐट द रेट डिस्क्रिप्शन उसकी डाटा टाइप रखी, वाचर 50। अब वैल्यूज़ के अंदर हम वैसे ऐसे करते होते थे स्टैटिक वैल्यू देते थे लेकिन अब ये डायनेमिक है, ऐट द रेट
डेप्ट नेम आएगा कॉमा, एट द रेट क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो यहाँ पे? ईमानदारी से यार, यस ओके। क्रिएट प्रोसीजर, ये एक आपका फंक्शन बन गया। मैंने कहा जी एग्जीक्यूट, कहता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये अब आपका एक इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर बना। अब एक और बनाना है तो बेशक इसको ख़त्म कर लो या इसी में एडिटिंग कर लो। अब एक और स्टोर प्रोसीजर बनाना चाह रहा हूँ अपडेट का। कौन सा? नाम चेंज कर दिया। इंसर्ट इनटू की तो क्यूरी अब हमें चाहिए ही नहीं। हमें कौन सी क्यूरी चाहिए? राइट क्लिक किया, डिज़ाइन क्यूरी इन एडिटर। किस टेबल के लिए लिखनी है? राइट क्लिक किया, चेंज टाइप, यस yes। अब देखो अपडेट करना चाह रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे कॉलम ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये नहीं सिलेक्ट हो रहा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी अपडेट नहीं होती, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये होती नहीं अपडेट। ओके किया तो ये देखो यहाँ पे अपडेट डिपार्टमेंट की क्यूरी लिखी हुई आ गई हमारे पास। अपडेट करो, डिपार्टमेंट सेट कर दो, डेप्ट नेम इक्वल्स टू एट द रेट डेप्ट नेम, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दरअसल एक कीवर्ड भी है इसलिए ये ब्लू कलर में आ रहा है, इसको देख के परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू एट द रेट DESE जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे याद रखना कि अपडेट की क्यूरी के अंदर वेयर का क्लॉज क्या होता है, लाजमी होता है वेयर डेप्ट आई डी इक्वल्स टू एट द रेट आई डी टू डिलीट। क्या नाम रखा मैंने वेरिएबल का? नाम क्या रखा? आई डी टू डिलीट। अब ये मैंने वेयर की क्लॉज में दिया कि ये आईडी जो भी आईडी दूँ डिलीट कर दो, वो आपने ऊपर डिक्लेयर भी करना है। एट द रेट आई डी टू डिलीट, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? याद रखना हमेशा आखिरी वाले पैरामीटर के बाद कॉमा नहीं लगाना, ये चीज़ रट लो। अक्सर बच्चे ये कॉमा लगा देते, यहाँ पे लगाया कॉमा और अब एग्जीक्यूट करोगे तो इसने नहीं होना। ये कह रहे हैं इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर एज, कहते हैं एज के आसपास कहीं पे इनकरेक्ट सिंटेक्स है, और वो क्या था? ये कॉमा था। कॉमा ख़त्म किया, एग्जीक्यूट, कहता है जी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। मैंने देखो DESE कीवर्ड है यूज़ कर लिया। दरअसल देखो ना कीवर्ड को तुम वैसे कहीं पे नहीं लिख सकते, लेकिन अब एट द रेट से क्या मुराद है? वेरिएबल, वेरिएबल। जब भी वेरिएबल का नाम रखने साथ क्या लगता है? एट द रेट, तो आगे कीवर्ड भी लिख दो तो तुझे समझ आ जाती है कि ये कीवर्ड हो नहीं सकता कि वेरिएबल का नाम ही है। यही क्वेश्चन था कि कुछ और पूछना चाहते हैं? वो बच्चा ये कहता है कि अगर मैं वो क्यूरी नहीं कुछ कहते सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय DESE ऑर्डर बाय सेंडिंग, यानी कि सेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट हो, तो ये DESE कीवर्ड है। क्या मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए छोटा वर्ड DESE सोच लिया कि छोटा फॉर्म लिख लेता हूँ, तो इसने कहा कि सर ये तो कीवर्ड है, कैसे लिखते हैं? इस ऐड की वजह से ये वेरिएबल है, उसको पता है कि ये वेरिएबल है, ये कोई हमारा कीवर्ड नहीं है। अच्छा दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा? कहता है अपडेट का स्टोर प्रोसीजर बन चुका है दोबारा। अब अगला तीसरा स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, इंसर्ट का भी लिख लिया, अपडेट का भी लिख लिया। तो मेरा ख्याल है डिलीट का स्टोर प्रोसीजर अगर आपने बाकी कर लिखना है ना, तो सबसे आसान कौन सा है? सिर्फ आईडी देना है। डिलीट की क्यूरी डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वे where debt id equals to at the rate id to, ये बन गया, सही हो गया। मैंने पहले भी वेरिएबल का नाम id to delete रखा हुआ था, वो id to update लिखना था वहाँ पे। बहरहाल नो इशू, वो भी देख लेते हैं अभी उसको कैसे ठीक करना है। sp underscore department insert का भी स्टोर प्रोसीजर लिख लिया, अपडेट का भी लिख लिया, डिलीट का भी लिख लिया, सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट सर्च। सर्च के लिए क्या क्यूरी होगी?
स्टार फोर आम होता है। हाँ स्टेरी का मतलब पूरी रो सिलेक्शन है, और अगर कॉलम का लिखूँ नाम तो प्रोजेक्शन है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। सिलेक्शन जो है वो रोज के ऊपर होती है, प्रोजेक्शन जो है वो कॉलम के ऊपर होती है। प्रोजेक्शन से भी कॉलम नेम से क्यूरी गलत है फिर कुछ भी नहीं करेगा, एरर देगा। वो कहता है कि क्या फ्रॉम, उसको अगला वर्ड ही नहीं समझ आना। एक कॉलम कम से कम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्ट करो डेप्ट नेम, अब ठीक है क्यूरी, अब फ्रॉम से एरर गया। ठीक है तो यहाँ पे आपको एक कॉलम नेम, हाँ अब ये रोज करेगा। वेयर डेप्ट नेम इक्वल्स टू एट द रेट डेप्ट नेम टू सर्च कंट्रोल सी। यहाँ पे आई डी टू डिलीट नहीं देना, अब हमने डिपार्टमेंट नेम टू सर्च देना है, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वाचा 50। अब जब भी ये स्टोर प्रोसीजर कॉल करूँगा तो वो मुझसे क्या मांगेगा, कहेगा नेम टू सर्च मुझे दो, क्या सर्च करना है, और नीचे क्यूरी चला के आपको रिजल्ट दे देगा। एग्जीक्यूट सर्च का पहले ही बना हुआ है, सर्च वन कर रहा हूँ, बन गया। अच्छा अब देखो स्टोर प्रोसीजर के फोल्डर में स्टोर प्रोसीजर शो नहीं हो रहे। अब आप बच्चे ऐसे ही बना के तो मेरे पास मुंह चुक के ले आते हैं कि सर स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं, शो नहीं हो रहे। भाई कॉमन सेंस की बात है, रिफ्रेश करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है अब आपने ये स्टोर प्रोसीजर बन गए। एक स्टोर प्रोसीजर में गलती हुई थी, वेरिएबल का नाम गलत था, तो राइट क्लिक किया मॉडिफाई, ये मॉडिफाई में अपडेट ओपन हो गया। क्या आई डी टू डिलीट, सॉरी ये आई डी टू डिलीट नहीं था, ये आई डी टू अपडेट। यहाँ पे भी एट दी रेट आई डी टू एग्जीक्यूट किया, जो गलती थी वो अब ठीक हो गई। अब सारी उम्र ये किस फेज में रहेगा, ऑल्ट्रेशन के फेज में रहेगा। आप क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, अल्टर प्रोसीजर के, इसको चेंज करना है मैंने। अब सारी उम्र चेंजेस के फेज। तो दो स्टोर प्रोसीजर बनेंगे। ठीक है सर्च बाय आईडी करेंगे तो सर्च बाय आईडी वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा, सर्च बाय नेम करेंगे तो सर्च बाय नेम वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा। सही हो गया। कोई चीज़ मुश्किल लगी है तो बताओ, कर पूछ लो यार कुछ। सही हो गया। एक स्टोर प्रोसीजर और बना रहा हूँ। अच्छा ये देखो बिल्ड इन ऐसे आता है, क्रिएट प्रोसीजर आगे वो कहता है ये आगे कमेंट्स लिखे हैं मैं सारे कि भाई यहाँ प्रोसीजर का नाम दो, यहाँ पे आप अपनी क्यूरी दो। क्रिएट प्रोसीजर एस पी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट अंडर स्कोर गेट डाटा, एक सिंपल बना रहा हूँ सिलेक्ट सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट। ये भी बन गया आपका, रिफ्रेश किया ये भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड, स्टोर प्रोसीजर्स पे गए। अच्छा एड डिपार्टमेंट की कोडिंग की हुई है, yes, चल रही है। वेरी गुड, छा गए। अगर किसी ने ये नहीं ना लिखी कोडिंग तो वो ख़तरे में है। मैं आपको बताऊँ मेरा ये जो कोर्स है ना ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फारग हो जाओगे। और ये वो कोर्स नहीं है कि आखिरी दिन तैयारी की दोस्त से पूछ के तो पास हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर ये पेपर में किस तरह से आएंगे? पेपर में इस तरह से आपको दूंगा कि जिस तरह से मैं काम करवा रहा हूँ ये यूज़र इंटरफेस मैंने बना के दिया होगा। ठीक है इसके पीछे ये बटन का बटन भी दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा डिपार्टमेंट क्लिक, यहाँ से कोडिंग आपने लिखी होगी ये इधर से पहली लाइन से कि भाई मैं आपसे कहूँगा कि ये फॉर्म है ऐसी कोडिंग मुझे लिख के दो कि ये बटन क्लिक है, बटन क्लिक का ये इवेंट है, ऐसी कोड इसके क्लिक के पीछे लिखो कि ये दो फील्ड जाके डीबी में स्टोर हो जाए। तो क्या स्टेप्स थे, डिपार्टमेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के जरिए इन टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा गेट करना है डेल की, और फिर आपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, टेबल को एक्सेस करना है और उसको ऑब्जेक्ट दे देना है एल्गोरिथम के साथ, वो आपने लिख देना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये वाला कोड लिखना है आपको बता ही दिया मैंने, सही है। मिड में ज़्यादा ये कोडिंग कम आएगी, मिड में कम होगी, मिड में आपका ज़्यादा ऊप वाला सेक्शन आएगा। ऊप करवाई है ना मैंने, yes. कितनी की है, इनहेरिटेंस तक की है,
करवानी है, मैं भी आपको ये काम साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि इसकी भी समझ आनी शुरू हो जाए। ऊप मैंने कंप्लीट करवानी है आपको थोड़ी सी, तो मिड से पहले दोबारा ऊप पे जाके इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेसेस, ये सारी चीज़ें करवा दूँगा। पेपर में वो भी आएंगी, सी शार्प का सिंटैक्स दरअसल, ठीक है, वो चीज़ें करवाऊँगा। कॉन्सेप्ट तो सेम है, नो इशू। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं कि कोडिंग किस तरह से आएगी या पेपर में क्या आएगा। ये वो पेपर है कि लेना चाहो तो 98 ले लो मेरी तरफ से, और लेना चाहो तो 0 ले लो, और ऐसे ही होता है, या 0 लगते हैं फाइनल में 50/0/50 या 50/50, दरमियाना हिस्सा कम ही होता है। दरमियाने का मतलब ये है कि मैंने दो नंबर ही की है, क्योंकि या तो कोड सही है पूरे नंबर, या कोड गलत है 0 नंबर, मैथ है, मेरी बात को समझ लो, मैथमेटिक्स है प्योर। अब आगे चलते हैं व्यू टूल बॉक्स। वही तो कह रहा हूँ ना, एवरेज दरमियाना कम ही होता है, ठीक है। तो कुछ भी बच, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कुछ भी कितना का ठीक लिख लोगे, जब मेरा काम तो हुआ ही नहीं तो फिर मेरे रहम व करम पे वो दून नंबर क्या काट लूँ, मेरी बात समझे हो। वो भी टीचर की मर्जी है, जितने मर्जी दे, आप आर्गू नहीं कर सकते कि आधा ठीक है। मैंने ये कह दिया कि भाई गलत है तो गलत है, इट मीन्स फारग है। तो लेकिन वो फिर मैं बच्चा पास करने के लिए समटाइम नंबर देने पड़ते हैं, भाई जितना लिखा है चलो उतने तो नंबर दूंगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मिसाल ऐसी है कि शर्ट मैंने सिलीव पहनी है, शर्ट है सिलीव की सिलाइयाँ होंगी। एक मिसाल ऐसी कि मैं कपड़े का थान पाऊँ और अपने जिस्म पर रख लूँ, मैंने बड़ी ज़बरदस्त शर्ट पहनी है, समझ लो फर्क है बात। एक जो आपकी चीज़ सिली की है, पता है कि चीज़ है, और एक जो मैं कपड़ा लपेट लूँ ऐसे और मैंने बड़ी ज़बरदस्त शर्ट पहनी है, तो ये बात आप बच्चे कोड में करते हैं, ऐसा कोड लिखे कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं भी नहीं कोड है। और आप तुक्के बना के वहाँ पे कोड बनाना शुरू कर दो, इन्वेंशन शुरू कर दो पेपर में, तो वो चीज़ मुझे क्योंकि अब मुझे पता लग जाता है भाई टीचर है, मैं क्लास में पढ़ा है, अगर आप मुझे बताइए एक भी दफ़ा लिख लोगे ना तो पेपर आपका 100% हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। तो ये है कि कोड को कोड होना चाहिए, ये नहीं कोड दिखना चाहिए कोड जैसा, ठीक है। अब आपने ये डीबी का ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया हो, डिपार्टमेंट नीचे किया हो, टेक्स्ट बॉक्स नीचे किया हो, पहली लाइन पर सेव सक्सेसफुल किया हो, तो वो तो कोड बनता ही नहीं है ना। अच्छा सर्च अपडेट डिलीट चारों ऑपरेशन हमने देख लिए थे लास्ट टाइम, सही थे वो, समझ आ गई थी उसकी। अब मॉडल 1.edmx अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई मुश्किल होनी चाहिए, ये कोड समझ आता है ईमानदारी से बताओ कि नहीं आता। यहाँ तक ये जो पहली तीन लाइनें हैं मैंने फ्रंट एंड से डाटा गेट किया है और वेरिएबल्स में रखवाया, पहला काम ये हो गया। अब डाटा वेरिएबल्स में आ गया, आप किसी परमानेंट स्टोरेज पे भेजना है, डीबी में भेजना है। अब डीबी में भेजने का ये तरीका था, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के जरिए टेबल एक्सेस किया, ऐड का मेथड कॉल किया, और डाटा जिस ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ था वो ओबीजे से पास कर दिया, फिर कहा जी डीबी ओबीजे डॉट सेव चेंजेस, ये इंसर्शन हो गई। फिर आगे मेरी अपनी लाइनें थी कि जब ये इंसर्शन हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्सेस एंट्री करवा दो, मैसेज दिखा दो कि भाई सेव हो गया और यहाँ पे और अगला फॉर्म ओपन कर दो। जो फॉर्म ओपन करना था दिस डॉट हाइट, दिस डॉट हाइट का मतलब ये है कि जो करंट फॉर्म खुला हुआ है उसे छुपा दो और जो नया फॉर्म खोलना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट्स उसको शो करवा दो,
अब अगर मैं कहूँ ये डिपार्टमेंट की इंसर्शन की कोडिंग है, अगर मैं कहूँ कि मुझे एम्प्लॉई के टेबल में ऐड करके दो, तो इसी कोड में क्या चेंजेस आएंगे? सबसे बात याद हो, एम्प्लॉई ओबीजे, यहाँ डिपार्टमेंट ओबीजे, वहाँ एम्प्लॉई हो जाएगा। ओबीजे डॉट करोगे तो डेप्ट नेम में वहाँ एम्प नेम आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स वन सेम, सारा डाटा ले लिया, ये लाइन सेम। डी बी ओबीजे डॉट डिपार्टमेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? एम्प्लॉईज, बाकी कोड भी सेम। यानी कि एक सीख लिया तो सारी उम्र यही काम बच्चे आपने करना है। मैंने काम तो हजारों दफ़ा किया होगा जी। यस, न्यू ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, जिस टेबल के अंदर करवाना है। लेकिन कोडिंग तो ये चार लाइनें याद नहीं होती तुम लोगों को, बस कर लो तो बस, फिर आप दुनिया में किसी भी टेबल में किसी भी जगह पर इंसर्शन करवा सकते हो, चाहे जावा हो, चाहे वेब हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे एंड्रॉयड ऐप हो। मैथड भी सेम है। और बताओ, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मिड के बाद यही वेब पर कन्वर्ट कर दूंगा, यही चलते चलते वेबसाइट बन जाएगी, मसला ही कोई नहीं। और वो वेबसाइट बन गई तो चलते चलते वही एंड्रॉयड ऐप बन जाएगा, तो मसला ही कोई नहीं। बड़ा दुखी हो के इसने कहा कोई मसला नहीं। कहती सर कोई मसला नहीं, आप कराते रहे, हमें नहीं करना। बड़ा तंजिया इसने वैसे कहा है, कोई सर कोई मसला नहीं। इसके कहने का मकसद है बस छोड़ दो क्या। अब ये मैंने करवा के छोड़ना है, तुमने अब चैलेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स के अंदर लिखो डेटा ग्रिड व्यू। क्या है डेटा? ये यहाँ पे लगाई, ये ग्रिड आपके पास लग गई। अब यहाँ पे एक अदद बटन लगाता हूँ, बटन की राइट के बटन के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। अब ये देखो प्रॉपर्टी राइट साइड पे ओपन हुई, शायद आपको पता ना लगाओ, तो आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है ताकि आपको ये विंडो पूरी नज़र आए प्रॉपर। ए इसको भी सेट करो, ये सेट हो गया। अब मैंने कहा जी बटन वन पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, गेट डाटा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इस गेट डाटा के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इस ग्रिड में जो टेबल के अंदर जितना डाटा हमारा इंसर्ट हुआ है वो सारे डिपार्टमेंट्स हमें शो हों। तो गेट डाटा पर डबल क्लिक किया तो ये देखो बटन वन के क्लिक का इवेंट बन गया। अब करना क्या है, मॉडल पे आए, ये मॉडल ये क्या था ये बता सकते हो, कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? ये क्या है? ये डेटाबेस का मॉडल है, वेरी गुड। अब ये सी शार्प में बना पड़ा है, लेकिन अब इस मॉडल को ये नहीं पता कि हमने डीबी के अंदर कुछ नए स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं। ठीक है, मॉडल तब जनरेट करते हैं जब डीबी सारी बन गई हो, फाइनल हो गई हो। अभी मेरी फाइनल नहीं थी, मैंने मॉडल बना लिया, बाद में आके स्टोर प्रोसीजर बना लिए, तो इस मॉडल को क्या करना पड़ेगा? अपडेट। मैंने कहा जी अपडेट मॉडल फ्रॉम डीबी कि डेटाबेस से ज़रा इसको अपडेट तो करो। कहता है रिट्रीविंग। अब ये इतना समझदार है कि अब ये देखो मैं टेबल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा, व्यूज़ भी नहीं हो रहे, यही सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है। और ये देखो जो स्टोर प्रोसीजर हमने नए बनाए थे वो आ गए, तो उसको पता लग गया कि भाई ये नहीं थे। अब जो डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए थे ये वाले स्टोर प्रोसीजर, ये फंक्शन होते हैं, और सी शार्प में ये क्या बन जाते हैं? मेथड्स। क्या बन जाते हैं? इसका मतलब है अब यहाँ पे मेथड जनरेट होने चाहिए। फिनिश किया, ये मेथड जनरेट हो गए विद इन दी मिली सेकेंड्स। मैं कोडिंग करने लगता तो शायद 2-3 हज़ार लाइनों का कोड होता, ये उसने खुद ही बना दिया। अब एक चीज़ और, ये देखो भाई मैं कहता हूँ प्रोग्रामर तुम लोग बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन टूल को सीखना भी काम है। मॉडल अपडेट हो गया तो ये देखो यहाँ पे छोटा सा स्टार बना हुआ आ रहा है, शायद नज़र आ रहा है, शायद नहीं आ रहा, आ रहा है स्टार सर? डिपार्ट डायग्राम वन के साथ स्टार यहाँ पे बना। अब जब तक ये स्टार सेव नहीं ना करोगे तब तक ये मेथड सही तरह से बनेंगे नहीं। सिस्टम हैंग हो गया यार, नज़र आ रहा है स्टार्ट? ये देखो डायग्राम वन आगे क्या है, स्टार, क्योंकि ये अभी सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस किया तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सेव होगा फिर हम इस पे आगे काम करेंगे। कोई चीज़ मुश्किल, ऐड डिपार्टमेंट के फॉर्म पे वापस आए,
ये हमारे पास बटन लगा हुआ है, गेट डेटा का बटन है, ये हमारे पास गेट डेटा का बटन है, इसके क्लिक के ऊपर ऐसा कोड लिखने के अब हमारे पास क्या हो जाए, वो वहाँ पे डेटा शो हो। उसके लिए क्या करोगे, अब इसका कंट्रोल देखो, इस ग्रिड का आईडी क्या है पता है, डेटा ग्रिड व्यू वन, इसका नाम, इस ग्रिड की आईडी डेटा ग्रिड व्यू वन है। मैंने कहा बैकएंड पे देखो एक्सेस होगा, अभी आ रहा है डेटा ग्रिड व्यू वन, ड्रैग ड्रॉप किया था ना वो आ रहा है, डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डीबी ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट याद है आपको एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम एंटिटीज डीबी ओबीजे की इंसर्शन के टाइम पे बनाया था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनाने के बजाय क्योंकि हर इवेंट पे इसने एक्सेस होना है तो आप आके से पेज के ऊपर लिख दो जहाँ पे लिखा है ना पब्लिक पार्शियल क्लास हेड डिपार्टमेंट, आपने ये ऑब्जेक्ट किधर बना दिया, पेज के सबसे ऊपर। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मैं किसी भी इवेंट में एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि लोकल से मैंने इसे ग्लोबल कर दिया, लोकल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया ग्लोबल, अब ये यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखूँ लिखूँगा ना डी बी ओ बी जे क्योंकि हर जगह चाहिए तो मैंने इसको ग्लोबल कर लिया, डी बी ओ बी जे डॉट एस पी अंडर स्कोर, देखो स्टोर प्रोसीजर आ रहा है, ये सारे देखो मेथड्स हमारे पास आ रहे हैं, पिंक क्यूब से मेथड शो होते हैं, आ गया ये स्टोर मेथड एस पी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट गेट डाटा। बस ये एक लाइन का कोड है, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू दिस डी बी ओ बी जे डॉट डिपार्टमेंट, डेटा बेस में स्टोर प्रोसीजर था, यहाँ मेथड बन गए, मैंने ग्रिड को कह दिया कि ये मेथड अपने लिए कॉल कर लो, चलाते हैं अब इसको। ठीक है, मैंने कहा जी गेट डाटा, आ गया डाटा सारा, डिपार्टमेंट आईडीज, डिपार्टमेंट नेम और डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ मुश्किल। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी विकास, किस नाम से डिपार्टमेंट बनाया, मैंने कहा जी ऐड डिपार्टमेंट, सेव्ड, आ रहा है विकास। वैसे हमने वैसे ओ यार ये तो ग्रेड लगा ली हुई थी पहले, तो दस्या करो, पूछ रहा हूँ ग्रिड लगाई थी तुम लोगों ने, कहा नहीं, एडी मेहनत कराती है, फेल करूँगा मैं तुम लोगों को। इधर देखो, अब एक और चीज़ देखो इसके अंदर, अब मैं ये चाह रहा हूँ ऊपर एक लगाओ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ W तो W से शुरू होने वाले डिपार्टमेंट्स आ जाए, मैं लिखूँ A तो A से शुरू होने वाले आ जाए, मैं लिखूँ B तो ये काम करना चाह रहा हूँ। हाँ सॉर्टिंग तो नहीं है, सर्चिंग, गेट डाटा अंडर स्कोर नेम, एक स्टोर प्रोसीजर किस नाम से बनाया, क्रिएट डाटा नेम के नाम से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, लाइक की क्यूरी याद है, लाइक की वो लगा रहा हूँ, वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक एट द रेट नेम टू सर्च प्लस सिंगल कॉमास, और डॉक्यार साइन लगाते थे डॉलर का, नहीं परसेंटेज, ये डॉलर कहाँ से आ गया, ठीक है कंट्रोल सी। यहाँ पे एज के ऊपर आपने एक पैरामीटर डिक्लेयर कर देने, ऐट दी रेट नेम टू सर्च, और उसमें क्या लिखना है वाचर 50 एग्जीक्यूट, मैं स्टार्टिंग स्ट्रिंग चाहता हूँ, मैं ए लिखूं ए से स्टार्ट, मैं विकास लिखूं तो विकास असगर, विकास अली, विकास अहमद आ जाए, ठीक है ये स्टार्टिंग है। ओ भाई ठहर जाओ, हम परसेंटेज परसेंट लगा लो, पहले भी परसेंटेज लगा लोगे तो वही वाला हो जाएगा, 191 है तो 9 भी लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो आ जाएगा, इसमें नहीं होगा वो, फिर परसेंटेज लगाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मैं लगा रहा। 12
बन गया, मॉडल को आके अपडेट करो, राइट क्लिक किया, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, रिट्रीविंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन, फिर फर्स्ट फिनिश, ओके हो गया। ऐड डिपार्टमेंट पे आए, एक अदद यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। अब करूँगा ये, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम दूंगा ना उस नाम से रिलेटेड हमारे पास नीचे रिकॉर्ड्स शो होंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी, सेम कोडिंग है यहाँ पे, गेट डाटा की जगह पे हम नया मेथड कॉल करेंगे, गेट डाटा नेम, और नेम के अंदर सर्चिंग के लिए नेम कहाँ से देंगे इसे। अब टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है मेरा ख्याल है 3, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ये इतना सा कोड था आपका, सही हो गया। लेट्स चेक, अगर अल्लाह ने चाहा तो चल जाएगा, ना चाहा तो नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, वही रिकॉर्ड फिल्टर ना लो, मैंने लिखा डी तो डी वाले आ गए, मैंने लिखा सी तो सी वाले आ गए, मैंने लिखा यहाँ पे केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री आ गया, मैंने लिखा सी ओ एम पी यू तो कंप्यूटर साइंस, खाली सी लिखा तो सी, सी एस लिखा सी एस वाला, सी एच लिखा सी एच वाला, मैंने एम लिखा तो मैथ्स कॉम आ रहा है, कोई चीज़ मुश्किल। ग्रिड के अंदर सर्चिंग देखिए, दरअसल यहाँ पे देखो इवेंट कौन सा कॉल किया है, टेक्स्ट चेंज, दरअसल इस टेक्स्ट बॉक्स की आई प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टी विंडो में गए, यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आप इस पर तो क्लिक कर ही ना बना सकता, बट टेक्स्ट बॉक्स पे अब, लेकिन मुझे ये पता है कि टेक्स्ट बॉक्स की हर एंट्री पे मेरा नीचे रिकॉर्ड बदलना है, तो मैं यहाँ पे इवेंट्स में गया तो मैंने कौन सा इवेंट यूज़ किया, ये देखो टेक्स्ट चेंज, इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखो ये टेक्स्ट चेंज 3 का उसने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 3 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज का इवेंट लगा दिया, उसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डाटा ग्रिड 1 डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, उसमें डाटा लेके आओ इस स्टोर प्रोसीजर के जरिए, और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में डाटा, और उसमें नेम टू सर्च कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, और वो 3 से क्या रहा है, 3 में एंट्री चेंज करता हूँ मेरा ग्रिड में डाटा बदल गया। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, डॉट टेक्स्ट मेथड नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, वो ये क्या करती है, टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा होता है आपको गेट करके आपको दे देती है वेरिएबल में, ये कर रही है। अच्छा, गेट डाटा पहले किया था, करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सी लिखो सी वाले आ जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर ई लिखो ई वाले आ जाएंगे, आप यहाँ पर सी लिखो सी वाले आ जाएंगे। ये अक्सर आप मेडिकल स्टोर्स पे जाओ, गोरमे पे जाओ, सेम यही लेआउट बनी हुई है, कभी गोरमे में जाके ना आपने उनका वैसे ही स्क्रीन पे नज़र डालनी ज़बरदस्ती, सेम यहाँ पे लिखा होगा पॉइंट ऑफ सेल, यही आइकॉन आ रहा होगा और यही यूज़र इंटरफेस होगा, और वो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देते हैं, यहाँ पे आके प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और आपको यहाँ पे क्वांटिटी देख के बताते हैं भी है कितनी नहीं है, इसकी प्राइस क्या है, वो बाकी अच्छा, और वो जो स्कैनर है वो स्कैनर यहाँ पे ना कोड खुद से दे देता है, वो फोकस करते हैं स्कैनर से, रीड करते हैं, वो यहाँ कोड आता है, कोड के नीचे अगेंस्ट यहाँ पे डाटा आ जाता है, तो बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं बच्चों वाला। तुमने जाना होगा, इस बच्चे ने 2:20 पे बस पे जाना है, ठीक है, 2:23 हो गए हैं, तो मैं आज इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, अटेंडेंस लगा लेते हैं, कुछ वैसे जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, जिसने बस पे जाना है वो जा सकता है।